जैन स्टूडेंट, मैं यहाँ पर अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक नई टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम है डेमो। रोल नंबर पहला कॉलम है जो इंटीजर है, प्राइमरी की बना हुआ है। नेम नाम का सेकंड कॉलम है जो फेयर की एंट्री 30 तक लेता है, नॉर्मल है। और एक मार्क्स नाम का कॉलम है जो इंटीजर है, वैल्यू लेगा। यहाँ पे मेरा टेबल बन गया, आप देख रहे होंगे क्वेरी। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट करी है अपनी, आपकी इंसर्ट इनटू क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यू, वैल्यूज डाली, रोल नंबर पहला और दूसरा डाला है राम, और उसकी मार्क्स डाली है, दैट इज 450। यहीं पर आप अगर देख रहे होगे, यहाँ पे मैंने सेकेंड रोल नंबर डाला है रमा और 450। इस तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज करी है जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो, अगर आप देखेंगे तो सिलेक्ट एस्ट्रिक, सॉरी 8 मैंने लिख दिया वहां पर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो। यहाँ पे देखिए ये सारी एंट्री है। अब मैं इसमें आपको अपने ग्रुप फंक्शन समझाऊंगा। देखिए, अगर मैं यहां पर लिख दूं सिलेक्ट और मैक्स वैल्यू देखनी है तो सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम डेमो, तो आपको भी पता है ग्रुप फंक्शन ये मैक्सिमम मार्क्स में 450 दिखा देगा आपको। और मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे कुछ लिखा हो ना लिखा हो, वो किसकी तरह के लिए ट्रीट होता है, ऑल की तरह। तो देखिएगा सेम आंसर ऐसे ही, ऑल की जगह अगर मैं डिस्टिंग लगाता हूँ तो डिस्टिंग में भी एक ही एंट्री आएगी, तो आप देख सकते हैं। सेम कंसेप्ट आपका मैक्स के साथ जैसा चल रहा है वैसा ही आपका किसी समय चलेगा मिन के साथ। तो जरा देखिएगा ये मिन, तो देखिएगा एक ही एंट्री आ रही है डिस्टिंक्ट में। असली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एवरेज के साथ और काउंट के साथ। तो जरा देखते हैं हमारी टेबल ये थी। अब मैं अगर आपसे कहूँ इसका एवरेज निकालिए तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और सबको ऐड करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करेंगे। बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ग्रुप फंक्शंस होते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये कभी भी नल वैल्यू पे काम नहीं करते। इसमें काम नहीं करते हैं ये नल वैल्यू पे। तो जरा अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो 4, 1 मतलब 450 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300 अपॉन 1, 2, 3, 4 नल नहीं आएगा, 4, 5, 6 से मैं डिवाइड करूंगा। जरा देखते हैं, देखिएगा सिलेक्ट AVG और यहां पे मैंने लिख दिया मार्क्स फ्रॉम, टेबल का नाम है डेमो, सिलेक्ट AVG मार्क्स फ्रॉम डेमो, सॉरी फ्रॉम में मैंने एम नहीं लगाया है। तो यहां पे देखेंगे आंसर आ रहा है 375.000। जरा चेक करेंगे, ये रही मेरी टेबल। यहां पर मैं आपके लिए कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं। अब कैलकुलेटर में मैं ऐड करता चल रहा हूँ, 450 प्लस 450 प्लस 450 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300 जो कि निकल के आया है हमारा 2250। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप लोग क्या करते, इसे डिवाइड 7 से करते, देखिएगा आंसर आपका 321। और जबकि ये आंसर क्या दे रहा है, एवरेज मार्क्स का 375, मतलब आपका आंसर गलत आता। तो इसने क्या करा है, मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी ग्रुप फंक्शन है वो नल वैल्यू पे काम नहीं करते। तो काउंट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब वो 2250 जो आ रहा है आपका 2250, इसको डिवाइड कर देगा 6 से एंड यू विल गेट द आंसर 375। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया कि जितने भी ग्रुप फंक्शन है वो नल वैल्यू पे काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एवरेज हमने निकाल लिया। अब आपको मालूम है अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो वो ऑल की तरह ट्रीट होता है, चाहे आप ऑल लिखें या ना लिखें, बाय डिफॉल्ट ऑल ही होता है। चलिए देखते हैं अगर डिस्टिंक्ट होता तो क्या होता है। डिस्टिंक्ट में अलग अलग एंट्री आती है, तो सिलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, जरा आप देखिए 37.500 कैसे आया। देखिए
डिस्टिंक्ट लगाया है आपने किसके साथ, एवीजी, एवीजी ग्रुप फंक्शन है तो नल को तो हटा ही देगा। अब वो क्या करेगा, इन तीन में से एक वैल्यू लेगा, क्या लेगा वो 450, बाकी सब अलग अलग वैल्यू है, तो 450 लेगा, 350 लेगा, 250 लेगा और 300, इन्हें ऐड कर देगा और डिवाइड भी, कितनी वैल्यू इसको तो उसने क्या माना है, एक एक वैल्यू 450, दो तीन चार, चार से डिवाइड करेगा तब ये आंसर आपका आएगा। देखते हैं जरा, टेबल ले आऊं मैं इधर यहां पर, ठीक है, देखिएगा जरा, कैंसिल, यहां पर मैंने डिस्टिंक्ट है तो इन तीन में से एक बार आएगा बस, 450 प्लस 350 प्लस 250 प्लस 300, अगर आप देखेंगे 1350 डिवाइडेड बाय, ये पूरी एंट्री एक मानी आएगी, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4, आप देखिएगा आंसर आपका 337.5। तो यहां पर ये हमारा, मैंने आपको आज सिखाया है ग्रुप फंक्शन, मैक्स मिन और एबीजी, काउंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।